अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं 24 चैप्टर है ये मीडिया की समझ, आपका 7th क्लास का चैप्टर है ये। इसमें देखिए बच्चों, हम पढ़ते हैं आज विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन वह तकनीक या विधि है जिसमें उत्पादों, सेवाओं, विचारों और कारणों के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिससे लोग उसके बारे में प्रतिक्रिया करते हैं। मीन्स टू से बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं ना आजकल, तो सीरियल्स में या फिर आप कोई यूट्यूब पे कुछ चला रहे हैं तो उसमें भी जो ऐड है वो दी जाती है, ताकि जो लोग हैं उससे अट्रैक्ट हो सकें और उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। तो इसीलिए ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें विज्ञापन के माध्यम से लोगों को सुरक्षा पूर्वक गाड़ी चलाने, दान देने या किसी राजनीतिक उम्मीदवार को वोट देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। तो विज्ञापन देखिए बच्चों, सभी प्रकार के निजी और गैर व्यक्तिगत जो संवाद है किसी विशिष्ट प्रायोजक द्वारा उत्पादों या सेवाओं की बढ़ोतरी या विचारों को सम्मिलित किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में केवल प्रेस विज्ञापन ही प्रचलित थे, जिनमें ब्रिटिश प्रशासकों और राजाओं, नवाबों के परिवार को विलासिता की वस्तुओं, यात्राओं और अन्य सेवाओं के प्रस्ताव दिए जाते थे। सन 1930 के दशक में रेडियो और सिनेमा विज्ञापन के लोकप्रिय साधन बनकर उभरे हैं। सन 1950 के दशक में औद्योगिकरण प्रारंभ होने पर उत्पादन होने लगा और बर्मा शेल जो कंपनी है उसने सर्वप्रथम अपने उत्पाद केरोसिन, जो कि मिट्टी का तेल होता है, उसके उत्पादन का अनोखा तरीका अपनाया था। उसने केरोसिन की बिक्री बढ़ाने के लिए मोटर गाड़ियों की दीवारों पर रंगीन चित्र बनाए थे। देखिए ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका होता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव होने पर विज्ञापन का केंद्र बिंदु स्तर आधारित वस्तुओं से हटकर सुविधा और उपभोक्ता आधारित वस्तुओं पर टिक गया। आधुनिक समय में भोज्य पदार्थ जैसे कि ग्रोसरी की वस्तुएं हैं, वस्त्र या परिधान है, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, हीटर है, माइक्रोवेव है, ओवन है, एयर कंडीशनर है, आदि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं उपभोक्ता द्वारा बन गई हैं। इनके उत्पादक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए प्रत्येक प्रकार के विज्ञापन के साधन अपनाते हैं। अब देखिए विज्ञापन के मूलभूत नियम। विज्ञापन देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। विज्ञापन का डिजाइन देश के कानून के अनुसार होना चाहिए। विज्ञापन नैतिकता, मर्यादा और लोगों की धार्मिक संवेदनशीलता के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। विज्ञापन में अन्य उत्पादों तथा सेवाओं के प्रति कोई अपमानजनक संदर्भ नहीं होना चाहिए। व्यावसायिक विज्ञापन के संदर्भ में उपभोक्ताओं को उत्पादों के वजन, गुणवत्ता, मूल्य, उत्पादन तिथि तथा उसकी सही सूचना दी जानी चाहिए। तो देखिए बच्चों, एक बार पाठ का जो सारांश है एक बार पढ़ लेते हैं। जन चेतना का निर्माण में जनसंचार की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया का तात्पर्य जनता तथा जन समूह के संपर्क में स्थापित करना है। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया निभाता है। लोगों को शिक्षित करने में, मनोरंजन प्रदान करने में मीडिया जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वतंत्र तथा पूर्वग्रह रहित जो प्रेस है लोकतंत्र के लिए सहायक है। और सिनेमा मनोरंजन तथा शिक्षा का महत्वपूर्ण ये एक साधन भी है। सूचना का अधिकार राजस्थान के लोगों को कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ था। विज्ञापन दो प्रकार के होते हैं, व्यावसायिक और सामाजिक। तो बच्चों देखिए, हम आज जो है ये कर लेते हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट मीडिया का हिस्सा नहीं है? तो देखिए कौन सा प्रिंट मीडिया का हिस्सा नहीं है? सिनेमा। पहला टीवी विज्ञापन कौन सा था? टोपोज ब्लेड का। अनपढ़ लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है रेडियो, क्योंकि बच्चों देखिए अनपढ़ जो लोग हैं वो पढ़ लिख तो सकते हैं ना, वो मैगजीन पढ़ सकते हैं ना, जो समाचार पत्र हैं वो पढ़ सकते हैं, तो रेडियो जो है वो सुन के जो जानकारी है वो प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। सिनेमा कौन सी समस्या सुलझाने में सहायता करता है? तो सामाजिक समस्या सुलझाने में सिनेमा जो है वो हमारी सहायता करता है। रिक्त स्थान है बच्चों देखिए, मिलान करो है और प्रश्नों के उत्तर हैं, ये आप खुद से सर्च करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में इसके राइट आंसर जो है वो बच्चों आपको दिखाए जाएंगे, और जब मैं आपको राइट आंसर करवाऊंगी तभी आप कॉपी में करेंगे, अदरवाइज आप सर्च करने की कोशिश जरूर करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चों आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए आपके लिए एक होमवर्क है बच्चों।
होम असाइनमेंट है एक तरह से, ये सामाजिक विषयों पर कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो नारी चेतना का हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का हो, डाउरी सिस्टम का हो, कोई सा भी सामाजिक विषयों पर विज्ञापन के लिए कुछ नारों की सूची बनानी है। कुछ ऐसे 10 नारे जो हैं आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और उसको पेस्ट करने हैं, ठीक है, लिख के। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में।